जय हिंद। मैं राजस्थान के डूंगरपुर से सागवाड़ा जेल के कर्मचारी सिपाही बोल रहा हूँ। मेरा नाम करण डामोर, पिताजी का नाम है श्री रूपाजी डामोर, जो राजस्थान से अहमदाबाद में नौकरी करते थे। मतलब 28 तारीख 8वां महीना 2024 को सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद के जीवराज नागा ब्रिज के नीचे से गायब हो गए हैं, जिसकी आज तक कोई सूचना नहीं मिली है। कृपया करके किसी को भी कहीं भी दिखे या मिले तो कृपया 8875201013 पे संपर्क करें। मेरे हम वासना थाना में लगभग मैंने 11 तारीख को दर्ज करवाई सर, जी सर दर्ज करवाई। हाँ, मैंने मतलब 8 तारीख को यहाँ से छुट्टी लेके गया था अहमदाबाद, जो कि वासना थाना में गया था। मेरे को 6-7 दिन तो वहीं भटकाया, मेरे को रिपोर्ट भी नहीं लिखी। और 8 तारीख को गया, फिर वापस इन्होंने 10 तारीख को बुलाया, 10 तारीख को भी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैंने वापस 11 तारीख को गया, फिर रिपोर्ट लिखी वासना थाना में। फिर मैंने बहुत कोशिश की, 6-7 दिन चक्कर लगाए तो भी इनकी तलाश नहीं कर रहे हैं। कृपया करके प्रशासन गुजरात में भी कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे पापा जी कहीं पर भी हो, गुजरात गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि जल्द जल्द जांच करें। और मेरे घर पे सब, मेरे मम्मी पापा सब वेट, पापा मम्मी वेट कर रही पापा का, और खाना भी नहीं खा रही है। कृपया करके ये फ़ोटो है, किसी को भी कहीं दिखे तो प्लीज़ मेरे पापा हमारे परिवार को मिला दीजिए। जय हिंद। एकता समाचार के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि रूपा डामोर, खेमा डामोर, गांव कोणा, पंचायत 85 छोटी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। ये अहमदाबाद में कार्य करने गए थे और अभी तक लापता है। हम सब एकता समाचार के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते, मेरे जो दर्शक जो गुजरात में हो, राजस्थान में हो या कहीं भी हो, उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये भाई, चार भाई है ये, करण जी जो हमारे यहाँ सागवाड़ा जेल के अंदर सिपाही का काम कर रहे हैं, यहाँ कार्यरत है, और आप इनके पिताजी को ढूंढने की आप पूरी कोशिश करना। जिस किसी को भी गुमशुदा की रिपोर्ट इन्होंने दर्ज भी करवाई है, एकता समाचार पे भी आप इनका फ़ोटो हम डाउनलोड कर रहे हैं, उस फोटो के ज़रिए आपको कहीं भी ये दिखे या कहीं भी ऐसे नज़र आए तो आप हमें एकता समाचार पे आप कॉल करना या एकता समाचार पे आप मैसेज भी कर सकते हो। जो आप इनके परिवार में काफ़ी दुखी है, लोग पूरा गांव दुखी है, क्योंकि पिछले 20 से 25 साल से, कितने सालों से ये काम करते थे साहब? वो 25 साल से काम करते, 25 साल से अहमदाबाद में काम करते थे। 25 साल से जगह से लापता हुए, ये जीवराज नाका, जीवराज नाका बता रहे हैं कि जीवराज नाका केम्बे होटल के जस्ट नीचे है कि जीवराज नाका ब्रिज के नीचे वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से लापता हो गए। जो मैंने वासना थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, वो तो भी वो मतलब कोई जांच आस नहीं हो रही। कृपया करके गुजरात प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि उनकी जांच की जाए और मेरे पापा को कैसे भी करके ढूंढे। लास्ट अंतिम बार कब देखा गया इनको? लास्ट वो 28 तारीख को, 28 अगस्त। हाँ, 28 अगस्त को, हाँ सुबह, हाँ 10:30 बजे वहाँ मेरे मासा जी दोनों बैठे हुए हैं। इसके बाद मासा जी वो काम पे चले गए थे, वो वहीं बैठे थे, तो वहाँ से क्या पता कहाँ चले गए, कोई पता नहीं चल रहा है। वो तो मेरे परिवार, मेरा रिश्तेदार सब मतलब खाना तक नहीं खा रहे। कृपया करके वापस आ जाने चाहिए, ऐसे कोई जांच आस करो तो फिर मेरे पापा मिल जाएंगे मेरे परिवार से। ये फ़ोटो इनका एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ, इस फ़ोटो को आप गौर से देखिए। इस शक्ल का आदमी आपको कहीं भी दिखता हो तो आप एकता समाचार के माध्यम से हमें बताएं, या हम आपको एकता समाचार में नंबर ये भाई करण भाई के डालेंगे, उसके ज़रिए आप इन्हें बताइएगा और हमें भी सूचना दीजिएगा। आप, हम ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिएगा। आप ढूंढोगे तो गुजरात वासियों से हम विनती करते हैं, गुजरात में जितने भी मेरे दर्शक, अहमदाबाद कहो, सूरत कहो, वडोदरा कहो, या कहीं भी दर्शक हमारे ये देख रहे हैं, तो ऐसे इस आदमी को एक बार आप देखिए और हमें सूचना दीजिए। धन्यवाद।